मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि 26 अप्रैल को जब मैं कोटा में वोट करने जाऊं तो किस आधार पर वोट करूं, धर्म के आधार पर या विकास के आधार पर। मैंने उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर दिया, मैंने कहा शुक्रवार को एक बार चंबल गार्डन में जाके देख लेना, एक बार विद्यानगर की बस्तियों में जाके देख लेना, सावन का महीना आए या महाशिवरात्रि आए, बाबा अमलेश्वर महादेव की पूजा करने जाओ तो अपने चारों तरफ पुलिस फोर्स को देख लेना, विद्यानगर की तंग गलियों के साथ संजय नगर की आबादी को अब देख लेना, भक्त नगर की आबादी को देख लेना, दशहरा मैदान के पीछे की बस्तियों को देख लेना, शिवपुरा के पीछे हजारा बस्ती को देख लेना, अनंतपुरा की एक बार बस्ती को घूम के आ जाना, फिर तय करना कि मुझे 26 अप्रैल को वोट किसको देना है। और रहा सवाल विकास का, तो हमारे 10 साल के जो सांसद है उन्होंने क्या किया कि जब वो पहली बार सांसद बने थे तो कोटा को स्मार्ट सिटी के अंदर जो 100 सिटी देश के अंदर सेलेक्ट हुई थी उसने कोटा को स्थान दिलाया, सोगरा स्टेशन, रेलवे स्टेशन, दखनिया स्टेशन आदि का विकास किया, रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन का विकास किया, स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी सीवरेज लाइन हमारे कोटा में डली, करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट कार्य शुरू हुआ जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, उन्होंने विकास कहां से कराया, सेंटर का पेश आया था करोड़ रुपए का फंड स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो फंड किसने दिलाया था, हमारे सांसद साहब ने। ट्रिपल आईटी का झुंझुना जब कांग्रेस ने दिया था तो वो उस झुंझुने को भी कोटा में नहीं ला पाई थी, लेकिन हमारे सांसद साहब के प्रयास से 2012 से जो ट्रिपल आईटी जयपुर में चल रहा था उसको सांसद साहब के लगातार प्रयास के बाद वो कोटा शिफ्ट करवाया गया। आईआईटी की बात करते हो, 2009 में जब आईआईटी कोटा का हक था उसको जोधपुर ले जाया गया, जब भी हमारी कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कड़ी से कड़ी नहीं मिल पाई, बीजेपी के वसुंधरा राजे ने खूब प्रयास किया लेकिन तब भी कांग्रेस सरकार ने कोटा को छलते हुए आईआईटी को एयरपोर्ट का बहाना लगा करके जोधपुर शिफ्ट करवा दिया। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे आईआईटी मंडी जहाँ पे ना तो एयरपोर्ट है ना ही रेलवे लाइन है, लेकिन वहां भी आईआईटी खुला था, तो फिर कोटा का हक क्यों मारा आईआईटी के नाम पर एयरपोर्ट का बहाना लगा करके। रोपड़ के अंदर आईआईटी है लेकिन वहां पर भी एयरपोर्ट नहीं है, कोटा का हक क्यों मारा एयरपोर्ट के नाम पर। चंबल का 24 घंटे पानी आता था, इलेक्ट्रिसिटी का थर्मल पावर प्लांट था, तब भी आईआईटी को यहां से छीन करके जोधपुर में कांग्रेस सरकार लेकर के गई। आज वही लोग सवाल उठाते हैं कि कोटा की आईआईटी किसने छीनी, कोटा को आईआईटी की नहीं दिला पाए सांसद साहब। मैं कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं, जब मतदान करने जाओ तो ध्यान रखना जनेऊ चोटी तिलक की जो रक्षा कर सके छाती ठोक करके उसको मतदान कर, आपकी आइडेंटिटी पहचान की जो रक्षा कर सके उसका मतदान, जो आपके रीति रिवाज संस्कृति की रक्षा कर सके उसको मतदान करें, बाकी तो आप समझदार हैं। जय श्री राम।